दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने पहली बार महादेव बुक की आईडी बेचने वाले पैनल धारक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 20 लाख रुपए में पूरा पैनल खरीदा था और उससे 5000 से अधिक लोगों को आईडी बांटी थी। आरोपी ने अपने पैनल से 15 दिनों में ही लाखों रुपए का सट्टा खिलाया था। पैनल धारक मुख्य आरोपी समेत कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जौनपुर के रहने वाले हैं। मुख्य आरोपी का एल्युमिनियम फिटिंग का कारोबार है। उसके साथ गिरफ्तार किए गए 5 अन्य आरोपी उसके यहाँ काम करते थे। शुरुआती दिनों में उसने जगदलपुर स्थित अपने गोदाम से महादेव बुक के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा का संचालन किया था। इसके बाद उसने कोसानाला के पास एक झोपड़ी किराए में ले ली थी और वहाँ इसका संचालन शुरू किया था। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को इस प्रकार से दी है। महादेव ऐप में दुर्ग पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। पहली बार उनका पूरा सेटअप और ब्रांच हमने जगदलपुर में जो है बस्ट किया, जिसमें कि हमें 4 लैपटॉप, 12 मोबाइल, 50 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मिले। 8 टोटल 6 एम्प्लॉइज़ को हमने पकड़ा, उसमें 4 फुल टाइम थे, 2 पार्ट टाइम थे। इनके द्वारा एल्युमिनियम के गोडाउन का इस्तेमाल महादेव ऐप चलाने के लिए किया जा रहा था। 20 लाख में ये पैनल बेचा करते थे और उसके बाद हर 1000 रुपये में ये एक नया आईडी बनाया करते थे। इनके द्वारा पिछले 20 दिन में 5000 आईडी बनाए गए और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सभी जगह के पूरे देश भर के आईडी बनाया करते थे। लगातार हमें मालूम चला है इनसे पूछताछ में करीब 300 लड़के जो हैं भिलाई क्षेत्र के इस कारोबार में लगे हुए हैं। ये अनएम्प्लॉयड यूथ को पैसों की लालच में लेवर करते हैं और उनको महादेव ऐप की ट्रेनिंग देके इसमें फंसाते हैं। इनसे हमें उनके मोबाइल रिकॉर्ड से बहुत सारी सूचनाएँ मिली हैं और भी गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं हैं। अभी तक कितनी गिरफ्तारी महादेव ऐप में अभी तक 90 गिरफ्तारियां दुर्ग पुलिस द्वारा की गई हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए।